अच्छा, लेट्स स्टार्ट। विट्रेस जो होती है, नॉर्मली विट्रेस किस चीज से बनी होती है? इट्स अ जेली लाइक सब्सटेंस और इसका 4 ml होता है। ठीक हो गया, इसका टोटल वॉल्यूम 4 ml होता है। इसमें नॉर्मली ब्लड प्रेजेंट होता है? डज इट नॉर्मली हैव ब्लड इन इट? इट डज नॉट हैव ब्लड इन इट। आई की कौन सी लेयर में, जो हमारी वैस्कुलर लेयर है, आई की कौन सी लेयर को हम कहते हैं वैस्कुलर लेयर है? हाँ, यूवियल लेयर जो होती है हमारी वैस्कुलर लेयर होती है। तो इसमें नॉर्मली ब्लड नहीं होता है, ठीक है? इट्स अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक 4 ml की जो है आफ्टर लेंस पड़ी होती है। तो अब विट्रस में ब्लड कैसे आ गया? एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन द विट्रस कैविटी इज कॉल्ड विट्रस हैमरेज। सो वेयर डू यू थिंक दिस ब्लड केम फ्रॉम? दो तीन कॉजेस हम पहले करके आ चुके हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी में इट वॉज देयर, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में इट वॉज देयर। यस, जब रेटिनल डिटैच हो रहा था वहां से भी ब्लीडिंग हो जाती है। गुड पॉइंट। सिंपल ट्रॉमा होगा आई को, तब हो जाएगा जब डिटैचमेंट हो रही थी तब ब्लड आ जाएगा, जब लेयर्स हटेंगी तो। हाइपरटेंशन में, डायबिटीज में। अब इसकी ना विट्रस हेमरेज की दो टाइप्स होती हैं, एक है प्री रेटिनल हेमरेज और एक है इंटरजेल हेमरेज। लेट मी शो यू प्री रेटिनल और ये इंटरजेल हेमरेजेस कैसे होते हैं। ये प्री रेटिनल को कहते हैं हम सब हाइलॉइड हेमरेज, और दूसरा होता है इंट्राविट्रियल या जेल हेमरेजेस। जो सब हाइलॉइड होते हैं ना, वो होते हैं बिटवीन रेटिना एंड विट्रियस। इनको बोर्ड शेप भी कहते हैं, ये देखो इस तरह से रेटिना एंड विट्रियस। जब डिटैच हो रहा होता है तब ये ब्लड आता है। और जो दूसरे लार्ज इंट्राविट्रियल या जेल विट्रियल हेमरेजेस होते हैं, इसमें क्या होता है, हेमरेज पूरा का पूरा सारा कुछ फैल चुका होता है आपके विट्रस में। ये देखो सारा का सारा फैल गया, पूरा का पूरा फैल चुका होता है आपके विट्रस में, और सारा एब्जॉर्ब हो चुका होता है, डिजनरेट हो रहा होता है, सारे आपके विट्रस को खराब कर रहा होता है। पहले जो सब हाइलॉइड हैमरेजेस होते हैं वो रेटिना और विट्रस के बीच में होते हैं, वो बोट शेप्ड होते हैं और लिमिटेड रहते हैं। अगर वो पूरे जेल में फैल जाते हैं तो उनको लार्ज इंट्राविट्रियल हैमरेजेस कहते हैं या इंट्रा जेल हैमरेज कहते हैं। वो पूरे के पूरे विट्रस में फैल चुके होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं, चार कॉजेस बता दें, पांच कॉजेस बता दें। जो मेजर मैकेनिज्म है, या तो रप्चर होगी नॉर्मल वेसल्स या एबनॉर्मल वेसल्स फॉर्म होगी, जिनको हम नियोवेस्कुलराइजेशन कहते हैं, ठीक है? या तो कोई इंफ्लेमेटरी डिजीज हो गई है वेसल्स की। अब रप्चर हुई है वेसल्स, सबको पता है कि जब डिटैचमेंट हो रही थी रेटिनल टेयर्स आ गए थे। स्टूडेंट्स ने शुरू में आइडेंटिफाई कर लिया कि जब ये कौन से वाले होंगे, प्री रेटिनल सब हाइलॉइड हैमरेजेस होंगे ना, जब टेयर कर रही है तो रप्चर हो जाएंगी ब्लड वेसल्स, जब ट्रॉमा हो रहा होगा तो रप्चर ऑफ नॉर्मल ब्लड वेसल्स होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स फॉर्म होंगी, वो किस में होती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी में, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में, या इस्कीमिक सिंड्रोम्स जो है हमारे ऑकुलर रेटिनल वेन ऑक्लूजन्स में, ठीक हो गया। तीसरा, इन्फ्लेमेशन, ईल्स डिजीज। ईल्स डिजीज क्या है, ये आप लोगों के एमसीक्यूज में आई भी हुई है बहुत दफा। ईल्स डिजीज जो होती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाता है। ये 15 to 45 ईयर ओल्ड मेन में होती है ईल्स डिजीज, और इसमें एंटी टीबी ड्रग देनी होती है। ये अफेक्ट कर रही होती है आईज को, और आईज के रिकरेंट विट्रस में ब्लीड हो रहा होता है। जो आई का वेस्कुलेचर है उसमें टीबी अफेक्ट कर रही होती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा होता है। इट्स मोर कॉमन इन मेल 15 to 45 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि वो टीबी उनकी कॉज होती है। टीबी जो होती है आई पे इफेक्ट लेके आ रही होती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवा रही होती है आंखों में, इसलिए एंटी टीबी ड्रग देंगे। वो ट्यूबरकुलस प्रोटीन की वजह से ईल्स डिजीज होती है। अब क्लिनिकल फीचर्स होंगे सडन ऑनसेट ऑफ फ्लोटर्स,
ड्यू टू हेमरेज, क्योंकि आपकी विट्रेस में क्या पड़ी होगी, ये हो गया आपका कॉर्निया, आयरस, पीछे लेंस, यहाँ पे सारा विट्रेस पड़ा हुआ है ना, विट्रेस जेरी लाइक है, 4 ml का है. अब इसमें क्या आ जाता है, हेमरेजेस आ गए रेड रेड कलर के, ठीक है, ये मैं बना रही हूँ, हेमरेजेस आ गए सारे. तो वो फ्लोट करेंगे जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगी, तो उसमें सारे आपके फीवर विजेस में फ्लोटर्स नजर आएंगे. एक तो ये क्लिनिकल सिम्टम्स हो गया कि आपको सडन ऑनसेट ऑफ फ्लोटर हो जाएगा जब आपकी ब्लीडिंग होगी विट्रेस में, पेनलेस लॉस ऑफ विजन हो जाएगा एकदम से, अगर मैसिव हेमरेज होता है तो सारा विजन का लॉस हो जाएगा, जैसे हमारे CRVO में होता है कि फ्लोटर्स की मोहलत ही नहीं मिलती, एक दो ब्लीड करें तो फ्लोटर्स की मोहलत मिलती है अगर थोड़ी सी ब्लीड आ जाए तो, लेकिन अगर मैसिव ब्लीड हो तो फिर पेनलेस लॉस ऑफ विजन हो जाता है, जैसे CRVO में होता है. विजुअल एक्यूटी डिक्रीज हो जाएगी. जब आप डिस्टेंस डायरेक्ट ऑप्थल्मोस्कोपी करोगे तो आपको ये ब्लैक शेडोज ओपेसिटी के नजर आएंगे, ठीक हो गया. स्लिट लैंप पे आराम से देखोगे आप, फंडस एग्जामिनेशन करोगे, विट्रस हेमरेजेस नजर आ जाएंगे और बीस के हैं. अब आप विजुअल एक्यूटी करोगे तो डिक्रीज होगी, ऑप्थल्मोस्कोपी पे आपको आराम से जब आप फंडस देखोगे तो ब्लैक शेडोज नजर आ जाएंगे, वही आपको स्लिट लैम्प पे भी नजर आएंगे. और अल्ट्रासोनोग्राफी, उसको बी स्कैन कहते हैं, उस पर लिखा हुआ आ जाएगा कि इसमें विट्रस हेमरेजेस हैं कि नहीं. अब कुछ लोगों को जिनको ये विट्रस हेमरेज होते हैं, अगर वो छोटे होते हैं तो वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं 4 to 8 weeks बाद. पेशेंट आके हिस्ट्री देता है कि मेरा कोई एक महीने पहले ना लाल लाल सा आया था आंख के आगे, और वो ना अब ठीक हो गया, मैं वैसे ही चेक करवाने के लिए आया हूँ, वो खुद ही से कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं. या तो फिर वो ऑर्गेनाइज करके येलोइश वाइट डेब्रिस बना देंगे, जैसे जख्म हील करता है तो पहले वो रेड होता है फिर उसके बाद वो येलो हो जाता है, वैसे ही हो जाएंगे. अगर वो पेशेंट के पास एफेकिक है, यानी लेंस नहीं डला हुआ आंख में, तो विट्रस ये वाले क्या हो जाएंगे, आगे आ जाएंगे. गोस्ट सेल ग्लकोमा होता है, गोस्ट सेल हम RBCs को कहते हैं, ठीक हो गया. गोस्ट सेल ग्लकोमा होता है कि अगर आपके पीछे जो है विट्रस में RBCs आए हुए हो, वहां पे ब्लीड हो रहा हो और आपका लेंस ना हो, तो ये आराम से ट्रेवल कर सकते हैं ना. इज देयर एनी ऑब्स्ट्रक्शन कॉजिंग, ये आगे आ जाएगा और आपके ट्रेविकुलर मेशवर्क को ब्लॉक कर देंगे RBCs, तो उनको ग्लोकोमा हो सकते हैं जो एफेटिक पेशेंट होंगे जिनका लेंस प्रेजेंट नहीं होगा. तीसरा हो सकता है कि अगर मैसिव ब्लीड है तो आयरन टॉक्सिसिटी हो सकती है. हाँ, ये वाला गोस्ट सेल ग्लोकोमा एफेकिक में होगा, जो विट्रस में ब्लीड कर रही होंगी चीजें, जो RBCs होंगे वो आगे आ जाएंगे क्योंकि लेंस उनको स्टॉप कर रहा है ना. यहाँ पे क्या, यहाँ पे विट्रस पड़ा हुआ है, क्या चीज उसको स्टॉप करी आगे आने से, देखो ये लेंस पड़ा हुआ है. एफेकिक में लेंस पड़ा ही नहीं होगा, वो आराम से आगे आ जाएगा ट्रबिकुलर मेशवर्क को, ये RBCs ब्लॉक करेंगे. तीसरा रेटिनल डिटैचमेंट है इसका कॉन्सिक्वेंस, प्रोलिफेरेटिव विट्रोरेटिनल डिटैचमेंट, पहले थोड़ी सी हुई होगी वो कम्प्लीटली डिटैच कर जाएगी उसको पुल कर करके. अब ट्रीटमेंट क्या है कि आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या करो, उसको कहो बेड रेस्ट करो, हेड एलिवेट करो और पैचिंग करो. आई की हम पैचिंग क्यों करा रहे हैं, क्या रैशनल है कि आई को पैच करा के बिठा दें, हेमरेज तो अंदर हुआ है, ऊपर से क्यों पैच लगा रहे हो उसको. परीक्षा डिटैचमेंट और रेटिना के लेवल पे होती है, उसकी ट्रीटमेंट तो वो मैंने करवाई है आप लोगों को, सिलिकन ऑयल, बकलिंग, PPV. डिटैचमेंट आंख के ऊपर से पैच लगा के तो कुछ नहीं हो सकती, आप लोग बताओ आई पैच क्यों लगा रहे हो. अच्छा, एक फैक्ट मैंने बताने कि जो विट्रस ब्लीड होता है ना आपका, विट्रस ब्लीड होता है, वो विट्रस ब्लीड इसलिए होता है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं वाइवा में भी और SEQs में भी, कि रात के टाइम क्यों होता है विट्रस ब्लीड, ऐसी रात के टाइम सोते वक्त हो जाता है लोगों का, रात के टाइम ऐसी क्या चीज है जो आपको ब्लीड करवा देती है वेसल्स को. यार जब ड्रीम्स आते हैं हमें, ड्रीम्स किस पार्ट में आते हैं हमें, एक हमारा स्लीप का पोर्शन होता है रैपिड आई मूवमेंट वाला, ठीक है, जब जोर जोर से आई मूवमेंट हो रही होती है उसमें, लेकिन हम सोए होते हैं, वी कैन नॉट सी, तो REM में हमें ड्रीम्स आते हैं,
तो रैपिड आई मूवमेंट होती है ना, उससे वो वेसल्स ब्लीड कर जाती हैं। अब हम इसको पैच इसलिए लगा रहे हैं रेस्ट देने के लिए, ताकि आंख ना देखे, मूवमेंट कम करेगी तो ब्लीड कम होगा। ठीक है, जब मूवमेंट कम करेगी तो ब्लीड कम होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस, कि आई को बैंडेज कर रहे हैं तो मिनिमम डिस्पर्शन ऑफ ब्लड इन विट्रस एंड अलाउ द ब्लड टू सेटल डाउन और मूवमेंट करके और ब्लीड ना कराए। रैम में, रैपिड आई मूवमेंट में ये ब्लीड कर जाती है। रात को सोते वक्त पेशेंट सुबह उठ के आता है कि फिर फ्लोटस ही कंप्लेन करता है। अच्छा, दूसरा इंट्राविट्रियल एंटी वेजेस, जैसे कि हम उसमें लगाते हैं डायबिटिक में, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में, उससे क्या होता है कि न्यू वास्कुलाइजेशन नहीं होगी, न्यू वेसल्स लीकी होती हैं, तो विट्रस हेमरेजेस कम होंगे। और उसके बाद आप अगर रेटिनल ब्रेक है, ये परफेक्टेड डायबिटिक रेटिनोपैथी है, उसको आप ट्रीट कर दो। ब्रेक थोड़ा सा है ना, अभी थोड़े से फ्लोटर्स आए हुए हैं, तो आप प्लीज उसको ट्रीट कर दो, जो कल मैंने रेटिनल डिटैचमेंट के ट्रीटमेंट कराए थे, ताकि वो पूरी की पूरी ना इन्वॉल्व हो। और अगर एक आखिरी हमारे पास ऑप्शन है विट्रेक्टमी, ये हम करते हैं 3 to 6 month बाद, जो आपके विट्रस में सारा ब्लड पड़ा हुआ है ना, उस विट्रस को आप निकाल देते हो। ठीक है, अगर विट्रस हेमरेज खुद क्लियर नहीं हो रहे 3 months तक, तो आप उसको विट्रस को रिमूव कर दोगे। ठीक है, या फिर उस वो विट्रस जो आपका गोस्ट सेल ग्लॉकोमा करवा रहे, गोस्ट सेल ग्लॉकोमा किसमें होता है, एफेटिक पेशेंट में, क्योंकि कोई बैरियर नहीं होता, वो आगे आके आपके ट्रबिकुलर मेशुआ को आरबीसी ब्लॉक करते हैं। इसके ना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। Describe the management of vitreous hemorrhage. ठीक हो गया, ये maximum 2 or 3 marks का question होगा, इसमें क्या लिखोगे? आप conservative management में डाल दो उसको, कहो कि पहले आप बेड करो और पैच कर लो ना, आई मूवमेंट कराने से आपकी सिचुएशन वर्स हो जाएगी, पेशेंट को काउंसिल कर दो। दूसरा, आप देखो कि अगर इफ देयर आर लीकी वेसल्स हैं तो एंटी वेजेस लगाने, उसके बाद आप कॉज को फाइंड करो। ठीक हो गया, कॉज को फाइंड करो कि डायबिटिक रेटिनोपैथी है, कि उसमें रेटिनल डिटैचमेंट हो रही है, और उसको ट्रीट करो। और अगर 3 months तक ये खुद रिजॉल्व नहीं होते और एफेकिक ग्लॉकोमा हो रहा है, और कौन कौन सी इंडिकेशन है विट्रेक्टमी की, वो खुद से रिजॉल्व नहीं हो रहे 3 months तक, तो आप विट्रेक्टमी कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन ओल्ड लेडी ऑफ 65 इयर्स एज, नॉन डायबिटिक, ओके फैक्टर्स आ गया, हाइपरटेंसिव दूसरा फैक्टर आ गया, कंप्लेंट्स ऑफ सडन विजुअल डिटोरिएशन इन लेफ्ट आई, एक आंख में हुआ है अभी, द विजुअल ड्रॉप वाज सडन नॉट एसोसिएटेड विद पेन और टेंडरनेस, विट्रस हेमरेज में कोई पेन और टेंडरनेस नहीं होती, ऑन एग्जामिनेशन कॉर्निया इंटीरियर चैम्बर लेंस सब कुछ नॉर्मल है, पीछे है, अब इसका मतलब पोस्टीरियर में है सेगमेंट में कोई मसला, विट्रस वॉज नॉट क्लियर उसने लिख दिया, शोड आर डिफ्यूज हेमरेज इन द विट्रस, सिर्फ एक हेमरेज हुआ, ऑब्स्क्योरिंग द व्यू ऑफ रेटिना, वट आर द कॉजेज ऑफ एक्यूट विट्रस हेमरेजेस, अब इसमें आपने एटलीस्ट 4 to 6 कॉजेज लिखनी है। फोर टू सिक्स कॉजेस बताओ। शाबाश, ट्रॉमा वाले परफेक्ट, ट्रॉमा लिख दो। और जो इस बंदी के हैं वो देखो डायबिटिक है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, ठीक है, पहले तो था कि एक तो नॉर्मल वेसल्स ब्लीड कर जाए ना, उसमें पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, दूसरी कॉज थी एबनॉर्मल वेस्कुलेचर बन जाए, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी में वेजेस की वजह से, हाइपरटेंसिव में, या वेन ऑक्लूजन हो जाए, तीसरा इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, लेकिन 65 ईयर ओल्ड वुमेन में हाईली अनकॉमन है, लेकिन लिख दो इन्फ्लेमेशन ऑफ वेसल्स हो सकती है, ईल्स डिजीज, ठीक है, ये 4-5 आपको कॉजेस आनी चाहिए कि ट्रॉमा है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है, वेन ऑक्लूजन हो गई है, हेडिंग्स बना के ये 3-4 लिख देना कॉजेस। अच्छा, व्हाट इज द सर्जिकल मैनेजमेंट टू रिमूव द हेमरेज फ्रॉम द विट्रस व्हिच हैज गेन्ड ट्रेमेंडस पॉपुलैरिटी इन द रीसेंट टाइम, ये आपने ना सिर्फ लिखनी है, इसके साथ इसकी इंडिकेशंस भी लिखनी है, ये है इसका आंसर, विट्रेक्टमी,
थ्रू पार्स प्लैना रूट, जिसको पार्स प्लैना विट्रेक्टमी कहते हैं, इंडिकेटेड अगर विट्रस हेमरेज खुद ही क्लियर नहीं हो रहे 3 मंथ्स तक, नियोवास्कुलाइजेशन ऑफ आयरिस होगी या गोस्ट सेल ग्लोकोमा हो गया जो कि एफएकिक पेशेंट्स में होता है, तब हम करेंगे ये लिखना है आपने. उसके बाद हाउ इम्पॉर्टेंट इज द एग्जामिनेशन ऑफ अदर आई एंड वट फाइंडिंग्स डू यू एक्सपेक्ट इन द फेलो आई इन द केस ऑफ एक्यूट विट्रस हेमरेज, इसमें क्या लिखोगे? And why is the examination of the fellow eye important? भी अगर diabetes है या hypertension है, वो systemic diseases हैं. This patient suffers from systemic diseases which affect retina. तो जितना इसमें खराबी हो रही, इसका फट गया तो उसका भी almost near to होगा ना, systemic diseases हैं. इस औरत को सिस्टेमिक डिजीजेस लगी हुई हैं, तो दोनों आंख में हो रही, एक का ब्लीड हो गया, तो हमें दूसरी को बचाने के लिए फौरन से डायबिटिक और हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी को ट्रीट करना होगा. और उनमें क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी, हमें पूरी डायबिटिक रेटिनोपैथी की सारी साइंस नजर आ रहे होंगे, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की साइंस नजर आ रहे होंगे इसमें. हाँ, दोनों फिट को करती है, लेकिन एक में फट गई है वैसे और एक में विल बी अबाउट टू. तो हमने विजन को सिक्योर करने के लिए उसको क्रिएट करना है, देखना है. और इन्वेस्टिगेशन हम कौन कौन से यूज करते हैं, वी यूज डायरेक्ट डिस्टेंस ऑप्थाल्मोस्कोपी, विजन रिड्यूस, स्लिट लैंप पे एग्जामिनेशन करके उसको ग्रेड करो कि हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी या डायबिटिक रेटिनोपैथी की कौन से ग्रेड है, कितनी फाइंडिंग है, हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, और बी स्कैन. अच्छा, इधर जो मैनेजमेंट का क्वेश्चन आया, उसमें एक तो आपने ट्रीटमेंट लिखना है, साथ में आपने इन्वेस्टिगेशंस भी कौन सी करानी है, 4 इन्वेस्टिगेशन और 4 इसके ट्रीटमेंट के मेथड दोनों लिखने हैं. आगे आ जाओ, वी वर सपोज टू डू एआरएमडी नेक्स्ट. अच्छा, पहले मैक्यूला का क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज मैक्यूला? मैक्यूला चीज क्या है? यस, ताविंदा सिस्टेमिक भी करा लो, देख लो कितना कंट्रोल है उसका HbA1c पे और चीजों पे, सिस्टेमिक भी लिख दो. गुड पॉइंट, कि देखो उसका कंट्रोल कितना है ब्लड प्रेशर पे और डायबिटिक कंट्रोल कितना है. अच्छा, इसमें जो होता है ना, ये देखो, ये रेटिना के सेंटर में एक जगह है मैक्यूला, ठीक है, ये ओवल शेप्ड पिगमेंटेड एरिया है सेंटर ऑफ रेटिना में, और कितनी डिस्क है, 5.5 mm की ये डिस्क है. इसके अंदर फोविया है, पिट डिप्रेशन है फोविया, जिसके अंदर हाईएस्ट लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वुंड्स है, और मैक्सिमम अच्छा सबसे इमेज जो बनता है वो मैक्यूला के फोविया में बनता है, ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए. अब एआरएमडी हो रही है, एआरएमडी इज एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन, एज की वजह से मैक्यूला डिजनरेट कर रहा है, और उसकी दो टाइप्स होती है, वेट और ड्राई, ठीक है. Something is wrong with age. Age के साथ वो क्या करे, degenerate करे. अच्छा, इनमें एक दो बातें बतानी है. ये देखो, ये पिक्चर सेंट्रल विजन डिफेक्टेड है ना, मैक्यूला से सेंट्रल विजन बन रहा था, ये देखो यहाँ पे धब्बा आ रहा है क्योंकि वो आपका एरिया खराब हो गया. नॉर्मल पीपल विल सी इमेज लाइक दिस, मैक्यूलर डिजनरेशन वाले ऐसे देखेंगे, इसको मेटामोर्फोसिया भी कहते हैं, जिसमें इस सिम्टम को क्या कहते हैं, मेटामोर्फोसिया, जिसमें डिस्टोर्शन ऑफ इमेज हो गई. ठीक हो गया, ये देखो. अच्छा, इनिशियली तो इनका विजन कम होता है, सेंट्रल विजन डिफेक्टिव होता है, मेटामॉर्फोसिया डिस्टॉर्टेड इमेजेस नजर आते हैं, लेटर ऑन इनको विजुअल हलूसिनेशन भी शुरू हो जाती है. ये देखो, किसी का नॉर्मल विजन ये है और जिनका मैक्यूला डिजनरेटेड है उनका ये है, तो इनको विजुअल हलूसिनेशंस भी शुरू हो जाती है.
see it is scary condition. Can you see appreciate the image ki kitna ajeeb sa lag raha hai aur kisi ka bhi vision mein aisa nazar aa raha hai wo dar jayega, usko lagega koi jinn bhoot hai ye. To unko later on visual hallucination shuru ho jati hai, psychiatric symptoms bhi aana shuru ho jate hain because this is serious disease aur iska koi treatment nahi hai. लेटर ऑन विजुअल हेलुसिनेशन भी शुरू हो जाते हैं. देख रहे हो ये पिक्चर्स को अप्रिशिएट कर सकते हो कि नॉर्मल पीपल कैसे देखते हैं और मैक्यूलर डिजनरेशन वाले का सेंटर खराब है, उनके इमेजेस कैसे बनते हैं. से यस और नो, आई एम वेटिंग. अच्छा अब इसको कर लेते हैं. कॉजेस क्या है? इट्स अ डिजनरेटिव डिजीज ऑफ मैक्यूला और इरिवर्सिबल लॉस ऑफ विजन है. कुछ नहीं कर सकते हम. ठीक हो गया. एज इज द मेजर रिस्क फैक्टर. उसके बाद ड्रूसेंस फॉर्म होते हैं. मैं ड्रूसेंस की डेफिनेशन भी लिखवाती हूँ अभी, व्हाट आर ड्रूसेंस, और ये इंपॉर्टेंट होते हैं. ड्रूसेन इज एक ही चीज जिससे शुरू होती है ये बीमारी. उसके बाद ये वाइट रेस में मोर कॉमन है. फैमिली हिस्ट्री होती है, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, सारी चीजें जो क्या करती है इसको रिस्क इंक्रीज करा देती है. हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, एक्सपोजर टू हाई सनलाइट, ड्रग्स लाइक एस्पिरिन. आप एक ड्राई फॉर्म है, ठीक हो गया. ड्राई फॉर्म में क्या है कि ड्रूसेन फॉर्म होते हैं. ड्रूसेन की डेफिनेशन है इट्स अ बिल्डअप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन एंड लिपिड्स बिटवीन रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम एंड कोराइडल लेयर. राइट दिस डेफिनेशन बिकॉज दे आस्क. अगर ARMD का क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का तो वो पूछते हैं कि डेफिनेशन लिख बता दें ड्रूसेन क्या होते हैं. ड्रूसेन क्या होते हैं? वाइट शेलो नजर आते हैं पैचेस आपके मैक्यूला पे. ये आपका सेंट्रल विजन हो गया मैक्यूला, इस पे आपको वाइट और येलो टाइप के पैचेस नजर आते हैं. और वो क्यों होते हैं? इट्स अ बिल्डअप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर यहाँ पे प्रोटीन एंड लिपिड्स बिटवीन विच टू लेयर्स रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम एंड कोराइड. They could be small, large, वो तो उनके साइज पे डिपेंड करता है. उसके बाद इस तरह से स्टार्ट होता है कि ये पहले बीच में आ जाते हैं दोनों के रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के और कोराइड के. फिर क्या होता है जब दोनों के बीच में आ जाएंगे, कोराइड क्या होती है आपकी वैस्कुलर सप्लाई आएगी. इधर देखो यह है पेस्टेड अब ब्रूक्स मेम्ब्रेन की लेयर. ये ब्रूक्स मेम्ब्रेन जो होती है ना वो कोराइड की इनर मोस्ट लेयर होती है. ठीक है, ड्रूसेन किससे बनते हैं? कोराइड की इनर मोस्ट लेयर जिसको ब्रूक्स मेम्ब्रेन कहते हैं और RPE के दरमियान. अब ये देखो ये आपकी कोराइड क्या कर रही होती है, सप्लाई कर रही होती है आपकी RPE को. ठीक है, RPE को सप्लाई जा रही है. बीच में क्या आ गए? एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के डिपॉजिट्स आ गए तो सप्लाई रुक गई ना. इवेंचुअली RPE विल स्टार्ट डाइंग. डू यू अंडरस्टैंड कि एड्स के साथ क्या हो रहा है? अब ये डेथ शुरू होगी. डेथ एक्सेलरेट किससे हुई? अगर आप स्मोकर थे, अगर आप हाइपरलिपिडेमिया थे, आपकी एज ज्यादा हो रही है. बट कोराइड लेयर ना आपकी सप्लाई करती है, आई की वैस्कुलर लेयर है. अब इन दोनों के बीच में आ गए हैं प्रोटीन और लिपिड के डिपॉजिट्स. तो जारी बात है RPE ने जो आपकी रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल है उसने उसको सप्लाई जाना बंद हो जाएगी. सप्लाई जाना बंद हो जाएगी, एट्रोपी स्टार्ट हो जाएगी, डेथ हो जाएगी. अब रिसेप्टर्स की डेथ होगी तो आपको खाक इमेज परसीव होगा. ठीक है, ड्रूसेंस बनेंगे. उसके बाद क्या होगा? RPE जो इन ड्रूसेंस के ऊपर है उसकी डेथ होना शुरू हो जाएगी. फोटो रिसेप्टर्स डेथ हो जाएंगे क्योंकि उनको आपने ब्लड सप्लाई रोकी, बीच में लिपिड्स और प्रोटीन्स के डिपॉजिट आ गए. परीक्षा कहाँ से आए? सिस्टेमिक से आए. ये कहाँ से आए? आपने आपकी डाइट खराब थी, आप स्मोकिंग करते रहे, ओबेसिटी थी, ये सारे रिस्क फैक्टर्स की वजह से ये आ गए. एज की वजह से आए, आपकी रेस, फैमिली हिस्ट्री थी, हाइपरटेंसिव थे, स्मोकिंग थे, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी थी, सनलाइट के एक्सपोजर, उनकी वजह से सारी चीजें स्टार्ट हुई. ये ड्रूसेंस बनना शुरू हो गए. ड्रूसेंस ने क्या किया? ब्लड सप्लाई ब्लॉक कर दी. उसके बाद क्या RPE ने डेथ हुई, फोटोरिसेप्टर्स की डेथ हुई, ब्रूक्स मेम्ब्रेन थिक होने लग गई और कोरियो कैपिलरीज की भी एट्रोपी होगी. आगे किसी चीज को सप्लाई करने के लिए है ही नहीं तो उसकी एट्रोपी हो जानी है, जो
कैपिलरीज भी एट्रोफी कर गई। ड्राई में ये होता है, अब वेट जो है ड्राई का ही एडवांस स्टेज है, ठीक है। वेट जो है वो ड्राई का एडवांस स्टेज है, जब कोरियो कैपिलरीज की एट्रोफी हुई, ब्लड सप्लाई की बंद हो गई। देखो इट वॉज गोइंग लाइक समथिंग लाइक दिस, नीड टू फाइंड सॉरी फ्री स्पेस टू ड्रॉ। जो कोरियो कैपिलरीज है इन देयर देयर इज रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, बीच में आ गए प्रोटीन्स और उसके डिपॉजिट्स। तो क्या हुआ, पहले तो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम को आना, बीच में रुकावट आ गई, तो आरपीई की डेथ हुई, फिर फोटो रिसेप्टर्स की डेथ हुई। पीछे से कोरियो कैपिलरीज के पास कोई चीज बची नहीं आगे सप्लाई करने को, तो वो भी डेथ हो गई उनकी भी। जब वेसल्स की डेथ होती है तो फिर वेजप सप्लीट होते हैं और फिर न्यू वेस्कुलराइजेशन होती है। यानी डे वन से हमारा यही कॉन्सेप्ट है हम करें कि जैसे ही इस्कीमिया होता है वेजप्स आते हैं और न्यू वेस्कुलराइजेशन करते हैं। अगर न्यू वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है तो वो वेट आरएमडी हो गई, ठीक हो गया, वो वेट आरएमडी होगी, न्यू वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट होगी। ये इसका कॉन्सेप्ट है। और आपने इसका डायग्नोसिस कैसे बनाना है, फंडस की फाइंडिंग में आपको वो ड्रूसन फॉर्मेशन मिलेगी, ड्रूसन फॉर्मेशन मिलेगी तो आप उसको कहोगे क्या हो जाएगा, ड्राई होगी। और अगर आप उसको वेट लेवल करते हो, वेट इज द एडवांस स्टेज ऑफ ड्राई। वेट कब होगा, जब कोरियो कैपिलरीज की भी एट्रोपी हो जाएगी और न्यू वास्कुलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद आप एफएफए करा सकते हो न्यू वास्कुलराइजेशन को डिटेक्ट करने के लिए। अब जो ड्राई वाली फॉर्म है उसमें तो आप उनको कहोगे कि कोई सेटिस्फेक्ट्री ट्रीटमेंट नहीं है, आप उसको काउंसिल करोगे, सॉरी यू विल इवेंचुअली गो ब्लाइंड। उसके बाद उसे कहोगे हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल को, ओबेसिटी को, प्लीज डू नॉट स्मोक, और प्रोफाइलेक्टिकली उसको क्या लिख के भेज दो, विटामिन सी और बीटा कैरोटीन, इस टाइप की चीजें लिख के भेज दो सप्लीमेंट्स। अब वेट में क्या करना है, वेट किस वजह से हो रही है, वेजेस सीक्रेट हो रहे हैं ना, तो आप उनको एंटी वेजेस दो या फिर फोटोकोगुलेशन, जिसमें हम न्यू वेसल्स को बंद कर देते हैं। ये मैंने कितनी दफा कराई है, लेजर फोटोकोगुलेशन, उनको आप बंद कर दो। ये दो हमारे पास इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, ठीक है। एंटी वेजेस दो टू स्टॉप न्यू वास्कुलराइजेशन। वेट इज द एडवांस स्टेज ऑफ ड्राई। सिम्टम्स दोनों में सेम है, लेकिन अगर आप लेटर ऑन जाओगे डॉक्टर के पास तो वो वेट हो चुकी होगी और वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स आ चुके होंगे। सिम्टम्स यही देखो, ग्रेजुअल इंपेयरमेंट ऑफ सेंट्रल विजन ओवर पीरियड ऑफ टाइम, द पेशेंट मे कंप्लेन ऑफ डिस्टॉर्टेड विजन एंड डिफिकल्टी इन रीडिंग। सेंट्रल विजन आपका अफेक्ट हो जाएगा। नहीं सॉरी, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड, कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है, द पर्सन विल इवेंचुअली गो ब्लाइंड। आई एम सॉरी, देयर इज नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर दिस। और जो क्वेश्चंस आए हुए इसके पास पेपर्स में वो सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन, 1.5 मार्क्स का और 2 मार्क्स का। इसमें क्या लिखोगे, पहले आप लिखोगे एआरएमडी की डेफिनेशन, ठीक हो गया। एआरएमडी की डेफिनेशन है, इज द डीजनरेटिव डिजीज ऑफ मैक्यूला कॉजिंग इररिवर्सिबल लॉस ऑफ विजन। रिस्क फैक्टर्स लिख दो 3-4, एज है, रेस है, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, ओबेसिटी। फिर उसकी टाइप्स लिखोगे आप, देयर आर 2 टाइप्स, वेट और ड्राई। पैथोजेनेसिस में लिखोगे ड्राई में क्या होते हैं, ड्रूसन्स फॉर्म होते हैं जो कि प्रोटीन और लिपिड्स हैं बिटवीन आरपीई एंड ब्रुक्स मेम्ब्रेन। ब्रुक्स मेम्ब्रेन इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कोलाइड। क्या होता है, ये सप्लाई बंद करवा देती है, आरपीई की डेथ होती है, फोटोरिसेप्टर्स की फिर डेथ हो जाती है, और फिर कोरियो कैपिलरीज भी एट्रोपी कर जाती है बिकॉज दे हैव नथिंग टू सप्लाई। यहाँ तक डेड ड्राई होती है, उसके बाद वेट स्टार्ट होती है। जब इस्कीमिया हो जाता है तो फिर वेजस न्यू वैस्कुलराइजेशन कराते हैं। उसके बाद आप लिखोगे कि पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा हमारे पास, उसके पास सेंट्रल विजन इम्पेयर होगा ग्रेजुअली ओवर इयर्स, फिर वो डिस्टॉर्टेड इमेज की कंप्लेन करेगा, सेंट्रली विल बी अनएबल टू सी इन द सेंटर।
अब आप जब उसको बिठाओगे तो क्या क्या देखोगे ऑन फंडस फाइंडिंग? अगर आपको ड्रूसेस नजर आते हैं और न्यूरोवैस्कुलराइजेशन नजर नहीं आती तो व्हाट इज इट? ड्राई स्टेज है. अगर आपको न्यूरोवैस्कुलराइजेशन नजर आ जाती है तो वो बेड स्टेज है. सिंपल हो गया. उसके बाद डायग्नोसिस आप किससे कर रहे हो? FFA से. उसमें देख रहे हो कि अगर न्यूरोवैस्कुलराइजेशन होगी तो इसका मतलब है वेट स्टेज स्टार्ट हो गई है. बाकी फंडस फाइंडिंग पे करनी है डायग्नोसिस. ट्रीटमेंट ड्राई में आप कहोगे कि काउंसिल करोगे पेशेंट को, उसको कहोगे देयर इज नो सैटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट. उसको कहोगे अपने रिस्पेक्ट और ओबेसिटी को कंट्रोल करें वरना इट विल स्पीड अप योर ब्लाइंडनेस विद स्पीड अप. और इसके बाद सप्लीमेंट्स दे के विटामिन सी बी ए के आप उसको रिटर्न करा दोगे. और अगर वेट हो रही है तो उसमें आप क्या दोगे? एंटी वीईजीएफ और लेजर फोटोकॉगुलेशन. ये लिखना है इसके नोट में.